Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya, living in Germany with my husband Ravi and with my little one daughter Anza. Yes, mommy is here with you. Mommy doing some work, mommy doing chopping, and Anza, what are you doing? Anza is playing and little cranky also. Don't worry, mommy is here, baby. Oh, my strong baby. Who is a strong baby? Who is a strong baby? Baby. This is Anza's new toy. She can take this in her mouth. Yes. और यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एग भुर्जी बनाने के लिए और साथ में अपना शेक भी पी रही हूँ और यहाँ पर आज मैंने चाय भी रख दी है बिकॉज टुडेज वेदर इज वेरी नाइस लवली वेदर. नाउ से व्हाट डू यू वांट टू से बेबी. हाँ, यू आल्सो वांट टू टॉक टॉक बेबी टॉक विद यू गाइस. हेलो एवरीवन, आई एम Anza. कभी कभी मुझे इसी तरीके से काम करना होता है और पीछे चेयर्स मैंने डाइनिंग टेबल में ऐसे लगा के ऊपर रख रखी हैं बिकॉज अभी जैको लगाना है तो हाउस क्लीन होगा. मॉर्निंग का टाइम है और आज रवि भी घर से ही काम कर रहे हैं. एग भुर्जी एंड पराठे बना रही हूँ तो मैंने सोचा आज वेदर अच्छा है तो मैं चाय भी बना लेती हूँ. आर यू फीलिंग बोर्ड? नो, मम्मी है बेबी. थोड़ा सा पिकल और बाहर वेदर बहुत अच्छा है तो मैं सोचा यही बैठ के खाते हैं इसलिए मैं यही दे रही. बेबी आपको भूख लगी है क्या खाओगे? She is also not angry. सॉल्ट ठीक है. मस्त है. वेरी ऑसम बेबी. यू वांट टू टेस्ट इट? आफ्टर वन मिनट. ओके, वन मोर बाइट. थैंक यू. चलो मैं चाहता हूँ. एक्चुअली रवि ने आज बात नहीं लिया है. इतना जल्दी मॉर्निंग में काम शुरू हो गया. रवि काम करने बैठ गया तो उससे फिर अभी आए लंच के लिए थोड़ी देर यहाँ पर. अब Anza को भी फीड कराना है. Anza अपने टॉयज के साथ खेल रही हो. ये लीजिए. एंड दिस इज माय प्लेट एंड टिश्यूज आल्सो. टिश्यूज इज देयर. आई फॉरगेट टू ब्रिंग टिश्यूज. नाइस, रियली. तो अभी हम शाम को बाहर आ गए. रवि ऑफिस से फ्री हो गए थे तो कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी लेने. ऑनलाइन भी मंगा लेते पर कभी कभी हम खुद से भी बाहर लेने आ जाते तो अभी इंडियन स्टोर भी जाएंगे एंड रवि भी जाएंगे. और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती थी इसलिए मैंने कैमरा ऑन कराया. दिस इज अ स्नेल. आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. करता है? समझ नहीं आ रहा. रिएक्ट तो नहीं करता है बट इसे निकालेंगे कैसे? कर सकते हैं आराम से. करना है फोटो लेके लोग जा रहे हैं इसकी. देखा ना, गाड़ी से गया. तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है तो वहाँ पर जो ट्री है वहाँ पर रख दिया है ताकि वो जी सके अपनी जिंदगी. Anza को निकाल लेते हैं. बारिश हो रही है यार. सो गाइस, दिस इज द टुडे शॉपिंग. इट्स अ ग्रोसरी शॉपिंग. आप देख सकते हो कुछ इंडियन शॉप से कुछ रेयर से की है और
दरवाजा थोड़ा सा ट्राई करने लगेगी। यहाँ पर लिफ्ट का कोई वो नहीं है, वैसे भी जापान में भी ऐसा था, यहाँ पे भी है, फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक लिफ्ट नहीं देते। बेबी आपको मम्मी ने मसाज भी दे दी है, नाउ यू कैन टेक रेस्ट, यू कैन स्लीप नाउ बेबी। मम्मी हैज लॉट ऑफ वर्क बेबी। ऐसा सो गई है, चलो फिर मैं पहनता हूँ। नाउ इसे कीप इट काम। हाँ। मिरर में देख के काफी काम हो जाती है, काफी एंजॉय करने लगती है। सो आप लोगों ने देखा कि आज जो थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, जिस टाइम मुझे लगा थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ, कुछ क्लिप्स मैंने एंजा के साथ खेलते हुए लिए। शाम को थोड़ा सा शॉपिंग के लिए गया, ग्रोसरी वगैरह का शॉपिंग करके लाया, सामान सब सेट कर दिया। अब मैं बनाऊंगी डिनर। डिनर के साथ साथ वन स्पेशल थिंग विच आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, दैट इज केक, एंजाज फोर्थ मंथ केक। सो आई विल प्रिपेयर विद बेसिक थिंग्स, और मतलब वो केक शायद सभी लोगों ने खाया होगा। पहले मैं डिनर की प्रिपरेशन कर लूं। जो चीज़ें मुझे ग्राइंड करनी है फटाफट ग्राइंड कर लेती हूँ। ऑनियन है, गार्लिक है, जिंजर है, ये सारी चीज़ें ग्राइंड करके, और टमाटो को भी ग्राइंड करके फिर मसाला पकाएंगे ऑयल में अच्छे से। एक्चुअली जो चिकन है वो मैग्नेट चिकन है, तो मैं मैग्नेट इसलिए ले आई थी, मुझे मैग्नेट करना नहीं पड़ेगा। चाहे तो उसको हम ग्रिल कर ले और चाहे तो हम उसको वैसे एज अ जैसे चिकन करी बनती है वैसे बना लें। मेरा तरीका थोड़ा सा सिंपल है, मतलब जैसे नॉर्मल करी होती है, मतलब लगभग वैसे ही सिंपल, बट इसमें थोड़ा सा ऑनियन वगैरह गार्लिक वगैरह ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बाकी तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ, बाकी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके का चिकन बनता है। तो ये मैं कोई आपको चिकन बनाना सिखा नहीं रही हूँ, बट हाँ ये कि मेरा तरीका ये है कि मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो मैंने अभी अभी मतलब हाफ के जी के अराउंड चिकन होगा। ओ माई गॉड हो, अनियन काटने के नतीजे रुला देता है पूरी तरीके से। वैसे कुकिंग का भी एक अलग ही मजा है, अब तो मैं काफी हैबिचुअल हो गई हूँ खाना बनाने के। अदरवाइज इंडिया में होती तो शायद इतना नहीं सीख पाती, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में आपके पास कोई हाउस हेल्पर होती नहीं है, तो आपको सारी चीजें खुद बनानी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं, या तो फिर आप बाहर से खा सकते हो, लेकिन बाहर का आप कब तक खाओगे? एक दिन आपको एहसास हो ही जाएगा कि भाई घर पे बनाओ, घर पे खाओ। फैमिली में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरी मदर इन लॉ है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी खाना, तो काफ़ी मन से वो लोग खाना बनाती हैं। उनको देख के मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि जितने मन से आप बनाते हो ना, उतने ही खाने वाले के बॉडी में लगता भी है। इसमें डालेंगे सबसे पहले क्यूमिन सीड्स, और ये है क्या था, ये काली मिर्च, या काली मिर्च, वेरी गुड। थोड़ी सी हींग भी डालूंगी, क्योंकि हींग तो मैं सारी चीजों में डालती हूँ। ज्यादा गर्म मसाले डालूंगी, मैं हल्का सा पाउडर मिक्स कर दूंगी गर्म मसाले का, दैट्स इट। ये काली मिर्च थोड़ा सा खड़ी भी डाल रही हूँ दो, और लौंग, ये पेस्ट है जो मैंने पेस्ट प्रिपेयर किया था, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। थोड़ी देर उसको फ्राई होने देंगे, भुनने देंगे अच्छे से, होने जान ले डाली मैंने टमाटर की, टमाटर मुझे छोड़ेगा नहीं।
वैसे भी इंडिया में टमाटर बहुत महंगे हो गए ना। हाँ सुन रहा है, 200 रुपीज केजी। यहाँ पे राइस को भी चला देते हैं, ये येलो येलो घी है इसमें, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिक्स कर दिया। अब इसमें मैं मसाले मिक्स करने वाली हूँ। पहले तो थोड़ा सा ये क्या है, ये टर्मरिक पाउडर। ये क्या है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। ये है धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर है। हाँ कोरिएंडर पाउडर, एंड व्हाट इज नेक्स्ट, थोड़ा सा चिली पाउडर भी मैं कम यूज करती हूँ, बट नॉनवेज में अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा। बस दिखा दीजिए कितना डाला है मैंने, बहुत थोड़ा सा डाला है। हरी मिर्च तो भूल ही गई मैं, ऐसी कुक हूँ मैं। हरी मिर्च मिक्स करना भूल ही गई इसमें। चलो मैं अभी चॉप करके उसको डालती हूँ। मैंने अभी जब रेड चिली डाली ना तो मुझे याद आया, सॉल्ट स्वादानुसार, शायद इसमें थोड़ा सॉल्ट होगा तो थोड़ा कम ही रखते हैं। एंड मैंने बोला था मैं खड़े मसाले कम डालूंगी, और मैं थोड़ा सा ये वाला मसाला डाल दूंगी इसमें, हल्का सा गरम मसाला, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और ये था चिकन मसाला, ये मैं डाल दूंगी इसमें। सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, कैमरा भी गिरा दीजिए। थोड़ा सा मसाला भुन जाए, और भुनने के बाद ये मसाला काफी अच्छा लग रहा है मुझे। ये कौन सा था, बादशाह, मुझे जो मिला जल्दबाजी में, क्योंकि वो बंद करने वाले थे, मैंने MDH के उठाए सारे। एक मैंने बादशाह का, ये बादशाह का था चिकन मसाला, तो कोई भी यूज कर दीजिए। थोड़ा सा ऑयल ही छोड़ने लगे मसाले, फिर इसमें टमाटो मिक्स कर दूंगी, और फिर उसको भी थोड़ा सा कुक करूंगी, पकाऊंगी, भूनूंगी, और फिर उसके बाद जाएंगे चिकन, और फिर थोड़ा सा वाटर ऐड होगा, बॉयल होगा, चिकन अच्छे से पकेगा। चिकन इतना अच्छे से मैं पकाती हूँ खूब अच्छे से धीरे धीरे, ताकि वो अंदर तक खूब अच्छे से सॉफ्ट पक जाए, और मैं कोशिश करती हूँ चिकन में हीक ना आए, क्योंकि थोड़ी भी चिकन में हीक आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता टेस्ट में। रवि आजकल बहुत टायर्ड हो रहे हैं, क्योंकि रवि पास बहुत सारा काम है, सच में बहुत सारा काम है इस वक्त, तो मैं रवि की हालत देख सकती हूँ। दो डालूं, मेरे जैसा कुछ बनना हो तो आप इस तरीके से खाना बनाए कि चिली बाद में डाले, सबसे बाद में जब आपको याद है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। और मेरा ये जरूर करें, बिल्कुल भी टमाटर बचना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ करके अच्छे से इसमें मिक्स करना है, वेस्ट कुछ भी नहीं करना। कुकिंग में एक बात का बहुत ध्यान रखना है, क्लीननेस के साथ साथ वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने, ये हाफ के जी कह रहा हूँ ना, तो इसमें मैंने चिकन के पीसेस कर दिए हैं ऐड, और ये थोड़ी देर कुक होगा। मैं अभी 5 मिनट्स ऐसे ही इसको कुक करूंगी, फिर इसमें वाटर मिक्स करूंगी, क्योंकि मुझे टेस्ट और अच्छा लगता है इस तरीके से बनाने में, क्योंकि मसाले में चिकन थोड़ा सा फ्लेवर ले लेता है, और फिर वाटर मिक्स करती हूँ जितना मिक्स करना होता है, तो मतलब अच्छा फ्लेवर आता है। फाइनल स्टेज जब कुक हो जाएगा अच्छे से चिकन, तब मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं बटर मिक्स करूंगी, फिर मैं सर्व करूंगी रवि को, एंड रवि विल एक्सप्लेन हाउ इज द टेस्ट। ओके ओके, और इधर राइस कुक हो चुके हैं। यहाँ मुझे जर्मनी में भी पार्ले जी बिस्किट्स मिल जाते हैं, सो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। सो गाइस यहाँ बन रहा है चिकन, और शायद यहाँ पे कुछ और स्टार्ट हो गया है, क्या है ये कुछ एक्सप्लेन करोगे? चिकन बन रहा है, तब तक मैं केक भी बेक कर लेती हूँ। तो ये मैंने जो पार्ले जी बिस्किट के 4 पैकेट्स मैंने लिए थे, तो उसको मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के डाल दिया है इसमें ग्राइंड होने के लिए, उसमें ग्राइंड हो जाएगा, और इसी में से मैं ये वाला पाउडर हेजलनट्स का ये मैं मिक्स कर दूंगी, एंड फिर मैं बाद में बाकी सब बाद में होगा, इतना ही करूंगी। ओके ये क्या है, स्पेशल लग रहा है, फूटी फूटी, कहाँ से फूटी है ये? मतलब ऐसा कि बर्थडे सेलिब्रेशन और ऐसा के साथ जो हम टाइम जी रहे हैं, उसमें हम अपने बचपन को कितना याद कर रहे हैं। ये हम केक बचपन में कितना खाते थे, पार्ले जी बिस्किट का केक, और बच्चों के लिए भी ठीक रहता है। मीठी चीज को मैं हेल्दी तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये क्योंकि गेहूं के आटे के बिस्किट होते हैं, है ना, पार्ले जी बिस्किट है। हाँ मोस्टली इसमें जो होता है कंटेंट्स, वो आपका गेहूं के आटे का ही होता है।
फिर इसमें क्योंकि जो इसका बैटर बनाएंगे हम वो मिल्क को मिक्स करते करते जितना भी हमें लगेगा नीडेड मिल्क उतना हम मिक्स करते जाएंगे और फिर बाकी का बाद में बताती हूँ मैं आपको। चलो इसमें ऐसे इसे ग्राइंड करती हूँ। एंड इसको मैंने ग्रीस भी कर लिया है बटर से और अब इसमें मैं मिक्स करने जा रही हूँ मिल्क और मैं शुगर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करूंगी लेकिन मिक्स कर सकते हो थोड़ा बहुत अगर और थोड़ा सा स्वीटनेस देनी है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करूंगी मिल्क इस हिसाब से मुझे बैटर रखना है उसी अकॉर्डिंग। नाउ इट्स टाइम टू ऐड टूटी फ्रूटी ऑल फ्लेवर तो इसी से दे रहे हैं ना बस सिंपल ये वैसा केक बनेगा इसमें ऊपर से कुछ भी डेकोर नहीं होगा। एंड ये बैटर मैंने डाला इसे ऐसे थप 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 करके अब फिर से छोटी छोटी डालूंगी इसमें ताकि हर जगह से अच्छा सा फ्लेवर है हर उसमें बाइट में। मैं इसमें ये लास्ट जो है सेट फो डाल दूंगी बैटर इस तरीके का है मेरा बहुत ज्यादा मतलब ऐसे आपको पतला नहीं रखना है बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है एक एवरेज आइडिया लेते हुए क्योंकि मेन बैटर ही है अगर बैटर अच्छा बनेगा ना मैंने वनीला एसेंस नहीं डाला भूल गई हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप्स डाल दूंगी मिक्स करना होता है बट मैं भूल गई क्या हो रहा है मेरे साथ आज भूल ही रही हूँ मैं पर ठीक है कोई बात नहीं ऊपर से हल्का सा मैं ड्रॉप डाल दूंगी। एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा वो कर लूँ पूरी बचपन की याद दिला रहा एक रेड कलर और होता था बचपन वाले में मुझे वहाँ पे ना रेड कलर नहीं दिखा था आप भी तो थे वहाँ पे मेरे साथ मुझे यही कलर दिखा अब इसमें से एक वनीला एसेंस मैं हैंड वॉश करके आप लोगों को सो आपको ऐसा नहीं करना है आपको जब आप मैं बैटर पूरा ऐसे मिल्क मिक्स कर रही थी तो पूरा बैटर आपका रेडी हो जाए तब आपको वनीला एसेंस मिक्स करना है और ये कंपल्सरी नहीं है अगर आप इसे नहीं भी मिक्स करोगे तो चलेगा मुझे इसका थोड़ा सा जो फ्लेवर आता है वो अच्छा लगता है तो मैं हल्का सा ड्रॉप कर रही हूँ ऊपर से एंड देन यू हैव टू पुट योर बैटर ऑन योर बेकिंग पैन थोड़ा सा फ्लेवर तो आ ही जाएगा। एंड बाद में ये जो मैंने ये वनीला फ्लेवर की जो शुगर है स्पेशली अलग से ये मैं ऊपर से एक तरीके से ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा और अच्छा लगेगा। और ये गया केक अंदर हमें लगा हमने ग्रिल उल्टी लगा दी है क्या हाँ और ये केक समझ में आया ना कि मतलब अब ठीक है ये बेक होगा कितने टाइम के लिए ये होगा ऑलमोस्ट वही 30 मिनट्स तो यहाँ पर ये 30 मिनट्स अराउंड मैंने लगा दिया है अब बेक होगा ये वेट करते हैं तब तक हम डिनर कर लेंगे डिनर प्रिपेयर हो गया ऑलमोस्ट थोड़ी देर और है रवि ने भी चेक किया चिकन हो गया मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ अब स्मेल आई है बटर अच्छे से हो गया देखो ये ना ये देखो अच्छे से ये देखो खुल रहा है चिकन थोड़ा सा तो ये अच्छे से हो गया अब आई है स्मेल अच्छे से मुझे तो ग्रेवी बड़ी अच्छी लग रही है देखने में चलिए आप खा के बताइए जल्दी से कैसा है चलो फिर लगाते हैं खाते हैं शायद सर्व कर तो बहुत तेज भूख लग रही है यार बनाने वाले को कितनी लग रही होगी तो बनाने में कम लगती है जो खुद बनाता है उसे नहीं लगती है उसे उसी चाह नहीं होती है भाई मेरी उम्र से गिनती नहीं है मुझे भी भूख लग रही अब बताओ अगर हलवाई को मिठाई की भूख लगेगी तो कहाँ जाएगा बेचारे भाई जो बाहर से लोग आते हैं उनको लगता है कि हाँ उसको भूख लगी वो अपनी शॉप से ही खा लेगा इसलिए तुम्हें तो भूख लगनी चाहिए इतने बनाया है कहना क्या चाहते
भूख लगी ना, भूख लगी और जल्दी जल्दी खाओ। This is the first bite. Take. आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल करेक्ट रिव्यू दो, एक्चुअल बोल सकते हो, अगर कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो बोल सकते हो। नहीं नहीं अच्छा बना है, बिकॉज जो इसमें ये है ना आपके मसाले वो अच्छे से आए हैं, अगर जो टेस्ट है ना अच्छे से एक रिच टेस्ट आ रहा है। ओके गाइस तुम निकालो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही होगी, भूख लग रही है तो मैं भी खाती हूँ। और केक बेक हो रहा है, बेक होने के बाद उसका जो हुलिया है वो भी दिखाऊंगी, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगी, फिर मॉर्निंग में ही मैं इसका एंड ले लूंगी व्लॉग का। ये जो ऊपर से मैंने डाले थे ना ये भी यार बिल्कुल वही केक के कलर में आ गए हैं, ये जो ऊपर से मैंने फ्लेक्स डाले थे। तो यहाँ पर ये केक बन के हो चुका है रेडी, हम इसे ठंडे होने तक वेट करेंगे। हम वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें लग रही है थोड़ी सी वैसे भी खाना खा के अब सोना ही है, थोड़ा सा वॉकी कर रहे थे हम लोग, इसको खा के मालूम पड़ेगा ये एक्चुअल में कैसा बना है। तो गाइस अब मैं यहाँ पर व्लॉग का एंड ले रही हूँ, और कुछ कुछ चीजें थी जो मैंने की, मतलब मुझे लग रहा था चलो आज कुकिंग का भी थोड़ा सा दिखाते हैं, केक बेक कर रही हूँ वो भी लेते हैं, बिकॉज केक बेकिंग का तो मैं ऑलमोस्ट लेती हूँ वीडियो में ताकि याद रहे कि ऐसा कि इस मंथ में मैंने इस तरीके का केक बेक किया था, तो वो जो मेमोरीज हैं वो भी ऐड हो रही हैं। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, बट मैं कल टाइम निकाल के थोड़ा सर्व करूंगी कि नेक्स्ट ट्रेवल हमारा कौन सा होना चाहिए, उस जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी कि वहां पर क्या क्या चीजें, हम कहाँ कहाँ विजिट के लिए जा सकते हैं, और जो कुछ भी होगा वो आगे व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली शेयर होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए और खुश रहिए, हेल्दी रहिए और स्ट्रांग रहिए, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, एंड डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट।